आइए अब हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, अब किस प्रकार से हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे, सेंटेंस को भी पहचानना सीखेंगे, हिंदी में जो वाक्य रहेगा उसको भी पहचानने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है मेरा पहला काम है कि सेंटेंस का जो वाक्य है उसको हम पहचानने सीखेंगे। पहचान, पहचान क्या है, क्या पहचान होगा उसका, तो दो नंबर में जो है पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे होगा। अब सेंटेंस में देखते हैं कहां पर होगा, जैसे वह जा रहा था, जा रहा था, वह लिख रहा था, लिख रहा था, आप नाच रहे थे, नाच रहे थे। तो अब देख इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं वाक्य में यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आपको पहचानने में किसी तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो सेंटेंस हम लिखे हैं यहाँ पर, वह जा रहा था, वह लिख रहा था, वह ना आप नाच रहे थे, तो ये सेंटेंस में जो है मेरा जो अगर पहचान के लिए जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ये हम पहचानने के लिए सीखे। अब हम बनाने का नियम सीखेंगे। बनाने का नियम जो है, लिए बनाने का नियम बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एच भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है तो आपका जो है वाज और वेयर दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए समरा बनाने का क्या नियम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का जो है आपका चौथा रूप है। चौथा रूप में आप जानबे करते हैं, जिसमें मेन रूप में आई एन जी लगा देना है तो चौथा रूप बन जाता है और ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को कैसे कैसे है। हमारा जो सेंटेंस हम पहला जो है कोई सेंटेंस हम उसका ले लेते हैं उदाहरण के लिए, आप नाच रहे थे, ठीक है, आप नाच रहे थे। आपका इंग्लिश में होता है यू, अब यू के साथ लगता है वेयर, प्लुरल है, यू वेयर। नाचना का क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दिए हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, और नाचना का होता है डांसिंग, डी ए एन सी आई आई एन जी, डांसिंग। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम हर सेंटेंस में जो है आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट देंगे यही हम यदि आपको यही आपको हम यदि हम बताते आपको कि वह स्टेज पर नाच रहे थे, वह सड़क पर नाच रहे थे, तो हम अगर यदि आपको पहले से ही लंबा लंबा सेंटेंस देकर हम यदि उलझा देंगे तो आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप छोटा से छोटा रूप को सीख लीजिए, उसके बाद आप बड़ा से बड़ा को आप अपने आप कर लेंगे, या उसके बाद भी हम आपको सिखाने में मदद करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल को हम देखेंगे, सीता खाना बना रही थी, खाना बना रही थी। चलिए सीता खाना बना रही थी, तो यहाँ हम सीता का लिख देंगे, सीता एस आई टी ए सीता, इसके सीता जो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो है मेरा वाज लगेगा, सीता वाज। अब वर्ब का तो चौथा रूप लगेगा, तो बनाना का क्या था, खाना बनाना का होता है कुक फूड, ठीक है, तो है कुकिंग
सी डबल ओ के आई एन जी कुकिंग क्या बना रही है, तो देखिए ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हम दिए हैं, ऑब्जेक्ट खाना बना रही है, तो फूड लिख दीजिए एफ डबल ओ डी फूड। ये आपका देखिए सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब और दूसरा सेंटेंस को और देखेंगे। इस बार जो है हम इसको फॉर्मूला को ही मिटा देते हैं। आप देखेंगे बस चल रही थी, चल रही थी, ये सेंटेंस आप लोग के सामने है। बस का इंग्लिश में होता है बस, बस लिख दिए, बस जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज लगेगा, बस वाज, ठीक है। बस चलने का काम हो रहा है तो यहाँ पर वॉक नहीं होगा, क्योंकि बस का पास दो पैर दो इस तरह होता नहीं है, बस जब भी करता है वो रनिंग करता है, ठीक है। तो बस वाज रनिंग, आर यू रनिंग, जो बस है तो चल रही है, तो बस बस वाज रनिंग, ये मेरा हो गया, बन गया, ये कंप्लीट हो गया, अब समझ गया। दूसरा और एक देख लेते हैं, पंखा घूम रहा था, पंखा घूम रहा था, ठीक है। तो पंखा का फैन एफ ए एन फैन वाज मूविंग, एम ओ वी आई आई एन जी फैन वाज मूविंग, ये भी मेरा जो है ये कंप्लीट बन गया। चलिए अब हम लोग जो है इसके बाद जो है अब दूसरा टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब वर्ब का जो है टेंस जो है मेन है, वर्ब का ही इसमें खेल है। वर्ब को आज आप अच्छा से समझ गए तो टेंस समझ गए, टेंस अगर टेंस यदि आप वर्ब को नहीं समझे तो सोचिए टेंस हम समझ में नहीं आया आपको। तो इसीलिए आपको जो है सबसे पहला काम है आपका टेंस को समझना, ये वर्ब को समझना, वर्ब को अच्छी तरह से वी वन वी टू वी थ्री कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा वर्ब है। आप कभी कभी ब्यूटीफुलिंग आप कर देंगे, आप यदि नहीं समझ में आ रहा है ब्यूटीफुलिंग कर देंगे, कभी आप गुडिंग कर देंगे, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। जो पहले आपका वीडियो हम बना चुके हैं उस वीडियो को देखकर आपको वो चीज़ आपको अच्छा से अच्छा समझना चाहिए आपको, तभी आप कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा समझ दीजिए इनके ये टेंस में, उसके बाद आप देखिएगा कि आप लेटर लिखने में निबंध लिखने में आपको बहुत अच्छा लिखने में लगेगा, क्योंकि वह जो इंग्लिश है जो है ये हमारा भारत का लैंग्वेज नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए जो है हम लोग को थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ये कंप्लीट हो गया ये टेंस का, अब हम लोग जो दूसरा वीडियो में इसका जो तीसरा रूप हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।